हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया था, आई गेस हमने या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस देखे थे, करेक्ट। ऑप्शंस अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको अच्छे से समझ में आया है, अदरवाइज़ और एक्सप्लेनेशन चाहिए उस पर तो डू लेट मी नो, मैं वीडियोस और बना लूँगी एग्जांपल के तौर पे, आई विल एक्सप्लेन इट। इस वीडियो में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कवर करेंगे, हेजिंग एंड स्पेकुलेशन कंप्लीट करेंगे। थ्रू टाइम अ नेशंस डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज शिफ्ट कॉजिंग द स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट टू वेरी फ्रीक्वेंटली। एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट चेंज होते रहते हैं और वही क्या करते हैं, उसी वजह से आगे का रेट डिफरेंट हो सकता है। अभी अगर मैं फॉरवर्ड मार्केट में डिसाइड करती हूँ कि हम कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करते हैं कि हम एक्सचेंज करेंगे रुपीज़ 30 पर डॉलर पे, लेकिन आगे चल के समझो कि रुपीज़ 40 पर डॉलर हो जाता है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरे लिए बेनिफिट होगा ऑब्वियसली कि मुझे पेमेंट सिर्फ 30 रुपीज़ की करनी है पर डॉलर। अगर मुझे कहीं से रिसीव करना है पैसे कि मुझे $1 कहीं से लेना है, तो मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, मेरे लिए ये लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं स्पॉट रेट पे करती उस 3 महीने बाद तो मुझे 40 रुपीज़ मिलते, अब मुझे सिर्फ 30 रुपीज़ मिलेंगे क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट में थे। तो फॉरवर्ड मार्केट में अगर आप डील करते हो तो बहुत बड़े रिस्क है कि आगे चल के स्पॉट रेट चेंज होता रहता है, ऑब्वियसली बहुत फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं और इस वजह से बहुत आप रिस्क फेस करते हो। और ये चेंजेस क्यों होते हैं, 30 से 40 कैसे चला गया, इट इज़ बिकॉज ऑफ द चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड चेंज होती है, सप्लाई चेंज होती है, हमने डिमांड एंड सप्लाई देख लिया है, कभी डिप्रिसिएशन होता है कभी एप्रिसिएशन होता है, और उस वजह से क्या होता है, एक्सचेंज रेट चेंज होते रहते हैं। A nation's demand and supply curve for the foreign exchange shift over time as a result of change in the taste for domestic and foreign products. अगर समझो हम लोग एक example लेके समझ लेते हैं, ये demand है, one second, ये समझो ये original demand है, ये original supply है। अब demand कौन कर रहा है foreign exchange का, फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर रहे हैं जो लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं और ऑब्वियसली उनको पेमेंट करना है तो वो फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड करेंगे। जो लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज का। सप्लाई कौन करेगा, सप्लाई वो करेंगे जो हमारे यहाँ से कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो वो हमारे यहाँ से ख़रीदेंगे और अपना डॉलर पेमेंट हमें करेंगे, सो वो सप्लाई हो गया। अब भी ऐसा मानो कि जो फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन पीपल हैं उनका टेस्ट चेंज हो गया और वो लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं इंडिया की चीज़ों को, ठीक है। अगर वो ज़्यादा डोमेस्टिक चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं तो वो हमारे यहाँ से ख़रीदेंगे, और जब वो हमारे यहाँ से ख़रीदेंगे तो क्या होगा, वो सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं। अब जब सप्लाई ज़्यादा होगा तो सप्लाई कर्व राइट शिफ्ट होगा। प्लीज़ नोट, जब भी सप्लाई बढ़ता है तो आपका कर्व इधर शिफ्ट होगा। जो भी कर्व है, ऐसा कर्व है या ऐसा कर्व है, मीनिंग डिमांड की तरह कर्व है, कैसा भी कर्व है, आपका जब इंक्रीज होता है उस कर्व में या उस वेरिएबल में जो आप उस कर्व पे ले रहे हो तो राइट शिफ्ट होगा कर्व के राइट साइड पे। तो ये कर्व का राइट साइड यहाँ पे है। आप ये नहीं बोलोगे कि इंक्रीज मतलब ये साइड, ये डिक्रीज हो गया, सप्लाई में डिक्रीज मतलब ये साइड होगा, हम सप्लाई में इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो इंक्रीज मतलब ये साइड होगा। अब जब ये साइड हुआ तो आप देख सकते हो प्राइस क्या हुआ है, प्राइस 40 से 30 हुआ है, मैं रफली फिगर्स ले रही हूँ, तो 40 से 30 हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एप्रिसिएशन हुआ है। एप्रिसिएशन किस चीज़ का, एप्रिसिएशन हुआ है डोमेस्टिक करेंसी का और डेप्रिसिएशन हुआ है फॉरेन करेंसी का, ठीक है। तो ऐसे अगर डिमांड या ये तो फॉरेन टेस्ट चेंज हुआ था फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसे कुछ चेंजेस आते हैं या उनका इनकम बढ़ता है तो वो लोग ज़्यादा चीज़ें हमारे यहाँ से डिमांड करते हैं। अगर हमारा इनकम बढ़ रहा है तो हम ज़्यादा चीज़ें वहाँ से डिमांड करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा,
अगर इनकम कम होता है तो इनकम कम हो गया हमारे यहाँ पे डोमेस्टिकली इनकम कम हो गया तो हम फॉरेन की चीज़ें प्रेफर नहीं करेंगे, हम बोलेंगे डोमेस्टिकली सस्ता जो है वो लेके ख़त्म करते हैं। तो उसमें क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम होगा तो कर्व कौन सी साइड शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, ये डिमांड कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। और फिर एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा तो एप्रिसिएशन होगा। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है ड्यू टू चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। नेशंस डिमांड एंड सप्लाई कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज शिफ्ट ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द टेस्ट फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स इन नेशन एंड अब्रॉड डिफरेंट ग्रोथ। हाँ, ग्रोथ रेट वहाँ पे हो रहा है तो वो लोग ज़्यादा चीज़ें प्रेफर करेंगे, हमारे यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है तो हम लोग ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्ट करना चाहेंगे, तो वो भी एक रीज़न है। ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन रेट इन डिफरेंट नेशंस, चेंजेस इन द रिलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस एंड सो ऑन। अगर आपका एक्सपेक्टेशंस चेंज होता है कि आगे चल के आप बोलते हो कि नहीं जो कमोडिटी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो शायद महंगा हो जाए आगे चल के या नहीं मिले आगे चल के, तो वो ज़्यादा इम्पोर्ट कर देते हैं। ज़्यादा इम्पोर्ट करने के चक्कर में क्या होता है कि आप डिमांड आप सप्लाई ज़्यादा कर रहे हो। फॉरेन लोग हमारे यहाँ से अगर डिमांड कर रहे हो तो आप सप्लाई ज़्यादा कर रहे हो फॉरेन करेंसी का। अगर हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फॉरेन कंट्री से जो चीज़ हम ख़रीद रहे हैं वो शायद आगे चल के ना मिले तो हम बल्क में ख़रीद लेते हैं, तो डिमांड फॉरेन करेंसी का ज़्यादा हम करेंगे क्योंकि हमें पेमेंट करना है। तो ये सारे रीजंस हैं कि क्यों एक्सचेंज रेट में वेरिएशन होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यूएस टेस्ट, तो यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है वो आप एग्जांपल खुद रीड करके समझ सकते हो, मैंने आपको एग्जांपल इन शॉर्ट समरी में समझा दिया है। ये कुछ फैक्ट्स उन्होंने बताए हैं यूएस से रिलेटेड, यूएस यूरो पाउंड और इन सब से रिलेटेड, तो वो भी आप रीड कर सकते हो। फैक्ट मैं एक्सप्लेन क्या ही करूँ, कौन से ईयर में कितना एक्सचेंज रेट था क्या था वही सिर्फ लिखा हुआ है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो आपको समझा दे रही हूँ। वेन एवर अ फ्यूचर पेमेंट मस्ट बी मेड, अब ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ना इनसे उन्होंने कंक्लूजन कुछ निकाले हैं। वेन एवर अ फ्यूचर पेमेंट मस्ट बी मेड और रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी, जब भी आप फ्यूचर पेमेंट करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, मुझे कुछ फ्यूचर पेमेंट करना है या मुझे फ्यूचर पेमेंट रिसीव करना है वो फॉरेन करेंसी में अगर हो रहा है तो अ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और सो कॉल्ड ओपन पोजिशन इज इन्वॉल्व। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको जस्ट एग्जांपल स्टार्टिंग वाला एग्जांपल बताया था कि समझो मुझे पेमेंट लेना है कहीं से, ठीक है, जो पेमेंट लेना है वो समझो $1 का पेमेंट मुझे लेना है, ठीक है, मुझे $1 का पेमेंट आया, हमने डिसाइड किया, हमने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाया हमने डिसाइड किया $1 पर ₹30, ठीक है, ये हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया कि आप मुझे $1 दोगे, ₹30 मुझे पेमेंट होगा, ₹30 की वो प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो $1 देंगे। अब आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के समझो $1 इज इक्वल्स टू ₹40 हो गया, तो मेरे लिए तो लॉस है क्योंकि अगर मैं वो $1 स्पॉट मार्केट पे दूंगी तो मुझे ₹40 मिलेंगे ना कि ₹30 मिलेंगे, तो वो मेरे लिए एक लॉस हो गया। और इसी वजह से ये एक रिस्क इन्वॉल्व करता है कि आगे चल के आप साइन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आज के रेट पे जो भी आप डिसाइड कर रहे हो रेट, लेकिन आगे चल के रेट चेंज होने वाला है तो कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं जिसे ओपन पोजिशन भी कहते हैं। इन जनरल बिजनेस पीपल आर रिस्क अवर्स। रिस्क अवर्स क्या होता है, देखो तीन टर्म्स है, एक होता है रिस्क अवर्स, दूसरा होता है रिस्क न्यूट्रल और एक होता है रिस्क लवर, ठीक है, तीन चीज़ें हैं। रिस्क अवर्स कौन होता है, रिस्क अवर्स वो लोग होते हैं जिन्हें रिस्क लेना पसंद नहीं है, वो कहते हैं नहीं हम रिस्क से दूर भागेंगे। एक रिस्क लवर होते हैं, रिस्क लवर कौन होते हैं, जिन्हें रिस्क लेना पसंद है बहुत। और एक रिस्क न्यूट्रल होते हैं, रिस्क न्यूट्रल कौन है, जो डिसाइड नहीं कर पाते क्या हम रिस्क लें कि नहीं लें, वो इनडिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बिजनेसमैन जो होते हैं, बिजनेस पीपल जो होते हैं वो रिस्क अवर्स होते हैं, उन्हें ये सब जो एक्सचेंज रेट में चेंजेस हो रहे हैं वो रिस्क उन्हें नहीं लेना है, ठीक है।
एंड विल वॉन्ट टू अवॉइड एंड इंश्योर देमसेल्फ अगेंस्ट फॉरन एक्सचेंज रिस्क। तो अगर कोई ऑप्शन है कि वो फॉरन एक्सचेंज मार्केट में जो भी चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उन्हें लॉसेज हो रहा है, अगर वो उस चीज़ को अवॉइड कर सके, उस रिस्क को कुछ कम कर सके, तो वो उसका ऑप्शन ज़रूर लेंगे। अब ये क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। अ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क अराइजेस नॉट ओनली फ्रॉम ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट में आपको ट्रांजैक्शन करना है या मीनिंग आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं, आपको फ्यूचर में पेमेंट करना है और आपने आज कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उसी चीज़ में ट्रांजैक्शन के बेसिस पे ही नहीं होता है रिस्क। एंड रिसीट्स इन द फॉरेन करेंसी, ये ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कहलाता है। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर यानी आपको कुछ पेमेंट रिसीव करना है या पेमेंट करना है किसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, फॉरेन करेंसी में आपको पेमेंट मिलेगा या पेमेंट करना है, जिसे हम ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कहते हैं। उसी से सिर्फ रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, वही चीज़ को हम सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क नहीं कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क बहुत सारे हैं। कौन से हैं? एक तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर हमने देख लिया, दूसरा है बट आल्सो फ्रॉम नीड टू वैल्यू इन्वेंट्रीज एंड असेट्स हेल्ड अब्रॉड इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉर इंक्लूजन इन फर्म्स कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये होता है ट्रांसलेशन या अकाउंटिंग एक्सपोजर। क्या कह रहे हैं? जो इन्वेंट्रीज हैं, जो कमोडिटीज़, जो प्रोडक्ट्स बल्क में पड़े हुए हैं, कहाँ पे? फॉरेन सी, हर एक कंट्री जो होती है ना, वो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स रखते हैं, ठीक है। वही चीज़ आप कह सकते हो यहाँ पे कि जो डोमेस्टिक करेंसी वहाँ पे अब्रॉड में इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्रीज पड़ी हुई है, वो चीज़ वो हमारे यहाँ के अकाउंटिंग में आ सकती है, तो वो ट्रांसलेशन एंड अकाउंटिंग एक्सपोजर हो गया। एंड इन एस्टिमेटिंग द डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म, अगर कोई भी फर्म है, वहाँ पे कोई फर्म है तो वहाँ का ऑब्वियसली वहाँ के फर्म अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो वो डॉलर्स में अर्न करेंगे। समझो US हम ले रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी के टर्म्स में प्रॉफिट अर्न करेंगे, लेकिन उनका डोमेस्टिक वैल्यू जब हम कैलकुलेट करें तो वो अलग होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्सपोजर होता है, उस वजह से भी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क आता है। तो ये तीन चीज़ें हैं। कौन सी तीन चीज़ें हमने देखा? एक ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, दूसरा होता है ट्रांसलेशन या अकाउंटिंग एक्सपोजर, और तीसरा होता है इकोनॉमिक एक्सपोजर। मैं जल्दी ट्राई करूँगी कि इन तीन एक्सपोजर्स पे एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँ जिसपे मैं इन डिटेल ये तीनों एक्सपोजर को कवर कर सकूँ। तो अगर आपको चाहिए कि ये तीनों एक्सपोजर पे मैं सेपरेट वीडियो लाऊँ, तो उसके लिए आपको एक ही चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको वीडियोस को लाइक करते रहना पड़ेगा। आप लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ये सारी चीज़ें हम लोग लाइक और सब्सक्राइब क्यों कह रहे हैं कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोगों को अच्छा लग रहा है कि हम और वीडियोस लाते रहे। तो वो मोटिवेशन के लिए आप सिर्फ सब्सक्राइब करके रख दीजिए, नोटिफिकेशन मत ऑन कर दीजिए, वो बेल आइकन मत प्रेस कीजिए। नोटिफिकेशन तो वैसे ही आप यूट्यूब ऑन करोगे तो आपको दिख ही जाएगा कि हाँ वीडियो डाला गया है, तो आप वो मत कर दीजिए, बट सब्सक्राइब करके रखिए। तो आगे जितने वीडियोस आते रहेंगे तो आपको एटलीस्ट जब आप यूट्यूब ऑन करो तो आपको सामने दिखेगा कि हाँ ये वीडियो अपलोड हुआ है ये टॉपिक पे। तो यही चीज़ है कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हेजिंग पे। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है और जो बिजनेसमैन है वो रिस्क को कम करना चाहते हैं, तो रिस्क कम करने के लिए वो हेजिंग करते हैं, ठीक है। हेजिंग रिफर्स टू अवॉइडेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और कवरिंग ऑफ एन ओपन पोजिशन। ओपन पोजिशन क्या है?
फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का दूसरा नाम ओपन पोजीशन है। तो ओपन पोजीशन को कवर करना या फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कवर करना हेजिंग करता है। फॉर एग्जांपल, अब ये एग्जांपल से हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे हेजिंग होता क्या है। द इम्पोर्टर ऑफ प्रीवियस एग्जांपल कुड बोरो, अब एक एग्जांपल ऑलरेडी था, वो इम्पोर्ट करना चाहता है कुछ चीज़ें इम्पोर्ट करना चाहता है, तो वो बोरो कर रहा है 100,000 यूरोज एट प्रेजेंट स्पॉट रेट 1:1। तो 1:1 वो बोरो कर रहा है 100,000 यूरोज फॉर 1:1, तो कितने डॉलर्स मिले उसको, $100,000 वो पे करेगा, उसको 100,000 यूरो मिलेंगे। एंड लीव दिस सम ऑन डिपॉजिट इन अ बैंक टू अर्न इंटरेस्ट। अब उस जो भी उसको बोरो किया है यूरो 100,000 यूरोज वो डिपॉजिट करके बैंक में रख देता है, अब भी स्पॉट पे बैंक में रख देता है कि इंटरेस्ट मिलता रहे फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद पेमेंट होगा, राइट? तो 3 मंथ्स तक इसने ऑलरेडी बोरो करके एट स्पॉट रेट बैंक में रख दिया और उस पर इंटरेस्ट ले रहा है। व्हेन पेमेंट इज ड्यू, बाय सो डूइंग द इम्पोर्टर अवॉइड्स द रिस्क दैट द स्पॉट रेट इन 3 मंथ्स विल बी हायर देन टूडे स्पॉट रेट एंड दैट ही और शी वुड हैव टू पे मोर देन $100,000 फॉर द इम्पोर्ट। अब अगर आगे चल के समझो $1 $2 हो गया, तो मुझे अगर पेमेंट करना है $100,000 का स्पॉट में, तो मुझे सिर्फ 100,000 यूरोस का पेमेंट करना है, तो मुझे स्पॉट रेट के अकॉर्डिंग तो $100,000 पे करना पड़ेगा, मुझे 100,000 यूरोस मिलेंगे और मैं 100,000 यूरोस वहाँ पे पेमेंट कर दूँगी। लेकिन अगर आगे चल के मुझे फॉरवर्ड में पेमेंट करना है, आगे चल के स्पॉट रेट ये हो गया, तो फिर बड़ा रिस्क है। क्यों? क्योंकि मुझे अब $200,000 देने पड़ेंगे 100,000 यूरोस कमाने के लिए, क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ चुका है और वही 100,000 यूरोस मैं पे करूँगी, तो $100,000 एक्स्ट्रा मुझे देने पड़ेंगे तभी। तो मैं अभी करके, ये बंदा अभी करके उसे बैंक में रख देता है और बाद में इंटरेस्ट खा के देन वो वहाँ पे पेमेंट करेगा। द कॉस्ट ऑफ इंश्योरिंग अगेंस्ट द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इन दिस वे इज पॉजिटिव डिफरेंस। अब ऑब्वियसली आप ऐसे करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि आपको फ्री में ये होके मिलेगा, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होगा। तो ये इसका कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट द इम्पोर्टर हैज़ टू पे ऑन द लोन। ऑब्वियसली उसने क्या किया, उसने यहाँ पे बोरो किया है ना, यहाँ पे उसने अभी एक्सचेंज नहीं किया, उसने बोरो किया है 100,000 यूरोस, तो वो बोरो पे लोन है, लोन पे उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो जो इंटरेस्ट वो बोरोइंग पे कर रहा है माइनस द लोअर इंटरेस्ट रेट ही और शी अर्न्स ऑन द डिपॉजिट। देखो एक चीज़ याद रखना, हमेशा लोन पे जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो हायर होता है एज़ कम्पेयर टू जो आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट होता है, वो कम होता है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट का है, वो जो डिपॉजिट कर रहा है उसका जो इंटरेस्ट रेट है, डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट है उसका डिफरेंस उसका कॉस्ट होगा, वो अपने जेब से देगा। सिमिलरली द एक्सपोर्टर कुड बोरो 100,000 यूरोस टुडे, एक्सचेंज दिस सम फॉर $100,000 एट टुडे स्पॉट रेट, आज के रेट पे वो $100,000 ले लेगा फॉर ओके एंड डिपॉजिट $100,000 इन द बैंक टू अर्न इंटरेस्ट। या तो वो डॉलर्स को इन्वेस्ट करके बैंक्स में रख देगा, डिपॉजिट करेगा और इंटरेस्ट लेगा। After 3 months, the exporter would repay the loan. 3 months के बाद वो repay कर देगा 100,000 यूरो का with the payment of 100,000 यूरो he or she receives. जो भी afterwards जितना भी, obviously अगर interest rate बढ़ गया तो उसको ज़्यादा amount मिलेगा, $2,000 मिलेगा, उसमें से जो $100,000 का उसने borrowing किया था वो repay कर देगा। द कॉस्ट ऑफ अवॉइडिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इन दिस मैनर, इस तरीके से ये अगर वो तरीका अपनाता है तो कॉस्ट क्या इन्वॉल्व होगा, इज इक्वल टू पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन
द बोरोइंग एंड द डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगेन बोरोइंग एंड डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वही उसका कॉस्ट होगा. कवरिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इन स्पॉट मार्केट एज इंडिकेटेड अबाउट. ये स्पॉट मार्केट में हो रहा है, अभी मैंने बोला ना अभी करेगा वो, स्पॉट मार्केट में हो रहा है. एज इंडिकेटेड अबाउ हैज अ वेरी सीरियस डिसएडवांटेज हाउएवर. द बिजनेस पर्सन और इन्वेस्टर मस्ट बोरो और टाई अप हिज और हर ओन फंड्स फॉर 3 मंथ्स. तो ये अगर वो स्पॉट एक्सचेंज रेट पे कर रहा है तो क्या होगा, वो आपने यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल्स में वो बोरो कर रहा है, ठीक है. तो एक चीज़ है, एक डिसएडवांटेज है कि वो बोरो कर रहा है. टू अवॉइड दिस हेजिंग यूजुअली टेक्स प्लेस इन द फॉरवर्ड मार्केट वेयर नो बोरोइंग और टाइंग अप ऑफ फंड्स इज रिक्वायर्ड. आपको कहीं पे बोरोइंग या टाई अप नहीं करना पड़ेगा अपने फंड्स का, डिपॉजिट और ये सब नहीं करना पड़ेगा. हेजिंग इज द बेस्ट वे. दस द इम्पोर्टर कुड बाय यूरोज फॉरवर्ड फॉर डिलीवरी एंड पेमेंट इन 3 मंथ्स एट टूडेज 3 मंथ फॉरवर्ड रेट. यानी हेजिंग यानी आप यूरो बाय करोगे फॉरवर्ड यानी बाद में चल के एट द करंट एक्सचेंज रेट. इफ़ द यूरो इज एट 3 मंथ्स फॉरवर्ड प्रीमियम एट 4% पर ईयर. 3 मंथ्स फॉरवर्ड प्रीमियम यानी आगे चल के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा. तो फॉरवर्ड प्रीमियम है तो क्या होगा, 3 मंथ्स फॉरवर्ड प्रीमियम है, द इम्पोर्टर विल हैव टू पे 101,000 इन 3 मंथ्स फॉर 100,000 यूरोज नीडेड टू पे फॉर द इम्पोर्ट्स. तो अगर आगे चल के बढ़ गया एक्सचेंज रेट तो क्या होगा, जो इम्पोर्टर है उसे ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा यूरो का. 100,000 यूरो ना पे करके उसको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, 101,000 यूरो पे करना पड़ेगा इन 3 मंथ्स, क्योंकि पेमेंट वो बाद में कर रहा है. देयरफॉर द हेजिंग कॉस्ट कितना हो गया, $1,000, क्योंकि 100,000 माइनस कर सॉरी 1,100 डॉलर्स माइनस करो 100,000 पहले 1:1 रेशियो था. तो 100,000 डॉलर्स पहले था, अब बढ़ गया है तो वो पेमेंट 101,000 डॉलर्स कर रहा है. 1.1 हो गया होगा एक्सचेंज रेट, 1.1 डॉलर इज टू 1 यूरो. तो इस वजह से 101 हो गया, तो 101 माइनस 100 पहले वाला रेट होता तो क्या होता, तो आपको $1,000 क्या हो रहा है, $1,000 आपका कॉस्ट हो रहा है, हेजिंग का कॉस्ट हो रहा है. $1% of $1,000 फॉर 3 मंथ्स. तो 1% हो गया ना, $1,000 का 1%, $100,000 का 1% हो गया $1,000 जो 3 मंथ्स के लिए पेमेंट के लिए. सिमिलरली द एक्सपोर्टर कुड, एक्सपोर्टर की बात हो रहा है, एक्सपोर्टर कुड सेल पाउंड्स फॉरवर्ड फॉर डिलीवरी एंड पेमेंट इन 3 मंथ्स. अब एक्सपोर्टर जो है उसे पेमेंट मिलने वाला है, तो वो क्या करेगा, पाउंड सेल करेगा फॉरवर्ड फॉर डिलीवरी. वो अभी कह रहा है कि इस रेट पे हम सेल करेंगे पाउंड्स को, लेकिन वो एक्चुअल सेलिंग जो होगी वो बाद में होगी, फॉर डिलीवरी बाद में होगी इन 3 मंथ्स एट टुडेज 3 मंथ फॉरवर्ड रेट. लेकिन जो रेट होगा वो आज के दिन पे जो भी 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट अभी आप बता रहे हो वो होगा. देखो फॉरवर्ड रेट भी चेंज होता रहता है, तो अभी जो फॉरवर्ड रेट चल रहा है 3 मंथ्स के बाद वाला, वो रेट पे हम एक्सचेंज करने का डिसाइड करते हैं, 3 मंथ्स बाद पेमेंट होगी इन एंटिसिपेशन ऑफ रिसीविंग द पेमेंट ऑफ 100,000 डॉलर्स यूरोज. उसको पता है कि मुझे 100,000 यूरोज मिलने वाला है, एक्सपोर्टर की बात हो रही है, पेमेंट 100,000 यूरोज मिलेगा, तो वो पाउंड में उसको कन्वर्ट करना है बिकॉज ही इज़ द एक्सपोर्टर, उसे पाउंड में कन्वर्ट करना है, तो वो अकॉर्डिंगली डिसाइड करता है कि वो हेज करेगा पाउंड को, सेल करेगा पाउंड को फॉर फ्यूचर. सिंस नो ट्रांसफर ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस अंटिल 3 मंथ्स हैव पास्ड, द एक्सपोर्टर नीड नॉट बोरो और टाई अप हिज और हर ओन फंड्स. तो यहाँ पे उसे कुछ बोरोइंग या टाई अप नहीं करना पड़ेगा. इफ द यूरो इज एट अ 3 मंथ्स फॉरवर्ड डिस्काउंट,
यूरो अगर 3 मंथ्स फॉरवर्ड डिस्काउंट पे है और 4% पर ईयर, पर ईयर देखो फॉरवर्ड डिस्काउंट पे है मतलब आगे चल के रेट उसका कम होने वाला है मतलब डिस्काउंट रेट पे होगा 4% डिस्काउंट, एक्सपोर्टर विल गेट ओनली $99,000. क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड डिस्काउंट पे है, फॉरवर्ड रेट जो है वो डिस्काउंट पे है. डिस्काउंट यानी रेट अगर 40 है अभी तो आगे चल के 30 होगा. और कितने अमाउंट से डिस्काउंट पे? 4% के अमाउंट, ये तो मैंने एग्जांपल बताया, ये 4% के डिस्काउंट पे है. तो अकॉर्डिंगली अगर कैलकुलेट करें तो पेमेंट उसे $99,000 का मिलेगा फॉर द 100,000 euros. तो 100,000 euros के लिए उसको $99,000 का पेमेंट मिलेगा, क्योंकि आगे चल के जो एक्सचेंज रेट हुआ है पर यूरो अब 4% कम हो चुका है. पहले 4% इंक्रीज 101 जब था तब इंक्रीज हुआ था क्योंकि फॉरवर्ड प्रीमियम हमने देखा, यहाँ पे फॉरवर्ड डिस्काउंट हुआ है. मैंने आई गेस पिछले किसी तो वीडियो में फॉरवर्ड प्रीमियम एंड फॉरवर्ड डिस्काउंट आपको एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो. ही और शी डिलीवर्स इन 3 मंथ्स, तो वो डिलीवर करेगा 3 मंथ्स के बाद. ऑन द अदर हैंड इफ़ द यूरो इज़ एट 4% फॉरवर्ड प्रीमियम, यानी बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सपोर्टर को 101,000 मिलेगा इन 3 मंथ्स विद सर्टेनिटी बाय हेजिंग. अगर वो हेज करता है प्रॉपरली तो उसे पता होगा कि फॉरवर्ड प्रीमियम होगा, फॉरवर्ड डिस्काउंट होगा. अगर वो फॉरवर्ड प्रीमियम लेता है तो $99,000 मिलेगा फॉर 100,000 euros, और अगर वो फॉरवर्ड डिस्काउंट लेता है तो इतना होगा, फॉरवर्ड प्रीमियम लेता है तो इतना होगा पेमेंट, रिसीव इतना करेगा. अब फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कैन ऑल्सो बी हेज्ड एंड एन ओपन पोजिशन अवॉइड इन फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट. फ्यूचर्स या ऑप्शंस मार्केट में भी ये हो सकता है. फॉर एग्जांपल सपोज द इम्पोर्टर नोज दैट ही और शी मस्ट पे, मैं इम्पोर्ट कर रही हूँ, मुझे पता है मुझे 3 महीने बाद $100,000 पे करने हैं. And the 3 months forward rate is pound, forward rate of pound is foreign exchange $1 for 1 euro. ठीक है, ये एक्सचेंज रेट है. इम्पोर्टर कुड आइदर परचेज, वो परचेज कर सकता है 100,000 euro फॉरवर्ड, इन विच केस ही और शी विल हैव टू पे अभी सॉरी $100,000 वेट हंड्रेड थाउजेंड बहुत बार हो रहा है $100 इन 3 मंथ्स एंड रिसीव 100 euros. तो अगर वो अभी $100 पे कर रहा है तो उसे 100 euros मिल जाएंगे. और परचेज या तो वो अभी ऐसा करे खरीद ले या तो वो ऑप्शंस परचेज करेगा. किसका ऑप्शंस? मैंने बहुत अच्छे से आपको लास्ट वीडियो में कवर करवाया कि मैं ऑप्शंस में कह रही हूँ कि मैं 100 euros लूँगी इन 3 मंथ्स से 1:1 रेट पे, ये आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया, एंड पे नाउ अ प्रीमियम या से जो भी प्रीमियम है 1% प्रीमियम है ये बाय, अब बाय कर रहा है कि सेल कर रहा है वो हम लोग देखते हैं, और जो भी अमाउंट है ऑप्शंस का 1% जितना भी है इन 3 मंथ्स. अब अगर 3 मंथ्स में स्पॉट रेट ऑफ द पाउंड यानी जो ये रेट है स्पॉट रेट कम हो रहा है तो क्या है, स्पॉट रेट इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस. जब ऐसा सिचुएशन आता है तो मैंने क्या कहा था, जब स्पॉट रेट कम है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आगे चल के कम होगा बेरिश, तो आप कॉल, अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे. वेरस अगर स्पॉट रेट ज़्यादा है स्ट्राइक प्राइस से तो आप कॉल ऑप्शन यूज़ करोगे, क्योंकि यू हैव नो ऑब्लिगेशन टू यूज़ द कॉल ऑप्शन. आप यूज़ कर सकते हो नहीं भी यूज़ कर सकते. तो अगर रेट कम होता है स्ट्राइक प्राइस से द इम्पोर्टर वुड हैव टू पे $100 विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बट कुड लेट द ऑप्शन एक्सपायर, ऑप्शन को छोड़ देगा, एक्सपायर होने देगा, अनएक्सरसाइज्ड.
अनएक्सरसाइज मतलब वो यूज़ नहीं करेगा एंड गेट 100,000 यूरोज एट द कॉस्ट ऑफ 98,000, जो भी स्पॉट रेट चल रहा है स्पॉट रेट पे वो ले लेगा, यूज़ नहीं करेगा। यूज़ करना कब करेगा? देखो, यूज़ करेगा इसका मतलब वो 1:1 के रेट पे वो ख़रीद रहा है, यानी $100 वो देगा 100 यूरोज के लिए, लेकिन स्पॉट में तो 0.98 डॉलर चल रहा है, तो सिर्फ 98,000 डॉलर्स में भरूँगी तो मुझे 100 यूरोज मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो स्पॉट रेट फ़ायदेमंद है, तो वो स्पॉट रेट पे जाएगा, स्पॉट मार्केट में ख़रीदेगा, कॉल ऑप्शन का जो कॉल का कॉन्ट्रैक्ट है वो अनएक्सरसाइज छोड़ देगा। इन दैट केस जो $1,000 का प्रीमियम कैन बी रिगार्डेड एज द इंश्योरेंस पॉलिसी एंड द इम्पोर्टर, ये हेजिंग हो गया। $1,000 का जो प्रीमियम भरा और उसने एक्सपेक्ट किया कि आगे चल के हो सकता है बड़े बुलिश, ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि आगे चल के बढ़ सकता है, तो उसने कॉल ऑप्शन ले लिया, लेकिन आगे चल के कम हुआ तो उसने कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज ना करते हुए उसने क्या किया, स्पॉट रेट पे ख़रीद लिया। तो हेजिंग करना इसे कहते हैं। एंड द इम्पोर्टर विल सेव कितना, $2,000 ओवर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इन अ वर्ल्ड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अनसर्टेंटी यानी आप पक्का नहीं है, आपको पता नहीं है ये आगे चल के क्या होगा, द अबिलिटी ऑफ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स टू हेज ग्रेटली फैसिलिटेट्स द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देखो, जब हेजिंग करते हैं ना, वो अकॉर्डिंगली वो डिमांड एंड सप्लाई करने लगते हैं कि अगर मैं हेज कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि आगे चल के ये हो सकता है, मैं कॉल ऑप्शन खरीद रही हूँ ये वो, तो उनका भी तो रेट डिमांड एंड सप्लाई चेंज होगा और अकॉर्डिंगली रेट जो है वो चेंज होगा। तो वो इंटरनेशनल फ्लो ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करता है इस हेजिंग के थ्रू, क्योंकि हेजिंग क्या है, एक तरीके से आप रिस्क को बचा रहे हो, रिस्क को कवर कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो जब रिस्क को कम कर सकते हो आप, तो आप एनकरेज होगे कि चलो ट्रेड करते हैं। देखो, मैं एक सिंपल सिनेरियो बताती हूँ ये सेंटेंस एक्सप्लेन करने के लिए। अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आप इंडिया के साथ एक्सपोर्ट करो, इंडिया एंड यूएसए के बीच में एक्सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन इतना सारा रिस्क इन्वॉल्व है उसमें, तो मैं बोलूँगी मैं क्यों करूँ, मैं ट्रेड क्यों करूँ, क्योंकि इतना सारा रिस्क इन्वॉल्व है तो मैं ट्रेड क्यों करूँ, बेटर इज ठीक है नहीं करते ट्रेड। लेकिन मैं अगर कहूँ कि रिस्क को हम इतना कर देते हैं, अब आप ट्रेड करो, तो ऑब्वियसली यू विल बी एनकरेज टू डू द ट्रेडिंग। तो वही होता है कि अब रिस्क जब कम हो गया तो वो फैसिलिटेट करता है ट्रेड एंड इंटरनेशनल फ्लो। विदाउट हेजिंग देयर वुड बी अ स्मॉलर इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो, क्योंकि रिस्क हाई है, कैपिटल फ्लो भी कम होगा, लेस ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन। अब ट्रेड कम होगा तो हमने देखा था सबसे सेकेंड की थर्ड चैप्टर कंपैरेटिव एडवांटेज में, जिसमें अगर ट्रेड होता है तो स्पेशलाइजेशन होता है, तो स्पेशलाइजेशन भी नहीं होगा एंड स्मॉलर बेनिफिट्स, बेनिफिट्स भी कम मिलेंगे। नोट दैट लार्ज फर्म्स सच एज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस दैट हैज़ टू मेक एंड रिसीव अ लार्ज नंबर ऑफ पेमेंट्स इन सेम फॉरेन करेंसी एट द सेम टाइम इन फ्यूचर नीड ओनली हेज इट्स नेट ओपन पोजिशन। तो उन्हें बिजनेस पर्सन जो है उनको सिर्फ हेजिंग करना बेटर होता है। सिमिलरली अ बैंक हैज़ एन ओपन पोजिशन ओनली इन अमाउंट ऑफ इट्स नेट बैलेंस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने बताया बैंक का कैसे होता है, बिजनेसमैन का कैसे होता है। तो आई होप आपको हेजिंग समझ में आया है। हेजिंग रिस्क को कम करना है, दैट्स इट, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कम करना है, ठीक है। सो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है सो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो करिए ही, बिकॉज दीज थिंग्स मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज। सो टिल देन स्पेक्यूलेशन पे मैं जल्दी वीडियो डालूंगी, टिल देन कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। थैंक यू।